नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न आपका NH.E यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में नाइक जाति की शांता देवी की घटना बताने जा रहे हैं। ये घटना 1947 की है। ये घटना सन 1947 के उपद्रव से क्रांची में हुई। यहाँ नाइक जाति के 250 लोग क्रांची के बंदरगाह पर रहा करते थे। यह उपद्रव 16 अगस्त के दिन 12 बजे आरम्भ हुआ। पाकिस्तानी लोगों ने उन नाइकों पर वार किया। तब 2 घंटे के संघर्ष में बहुत से नायक मारे गए और स्त्रियों की इज्जत खराब करने के लिए तैयार हुए। तब उस नायक दल के मुख्य राम कुमार चौरिया की पत्नी शांता देवी अपने वीरता बल से सहला उठाकर उन अन्यायियों के साथ लड़ी। 1 घंटे में उसने 285 पठान लोगों को मारा। इस सती स्त्री की वीरता और ताकत को देख कर एक पठान ने गोली मारी, जिससे शांता देवी की मृत्यु हो गई। इस तरह उस वीर बाला का अंत हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आप ऐसी जानकारियां चाहते हैं तो NH.E यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।